करो थाना आदमपुर क्षेत्र में 22 तारीख को एक पौने दो साल का बच्चा गायब हुआ था, जिस क्रम में एक वहां पे गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसके उपरांत जब बच्चे को तलाश किया गया तो 24 तारीख को सूचना पुलिस को मिली कि बच्चे का एक पैर वहीं पर ही गांव में मिला है। पुलिस विवेचना में लगी और उसके बाद में ये पता चला, पूछताछ से पता चला कि घर की ही जो महिला थी, जो बच्चे की चाची लगेगी, उसके द्वारा बच्चे को तांत्रिक विद्या के थ्रू एक जो व्यक्ति हैं जिनका नाम नसीम अली है, इनके साथ मिलकर तांत्रिक विद्या के साथ बच्चे को काटने के लिए उन्होंने बताया था, बच्चे का पैर काटा था उन्होंने। पूरी जब घटना खुली वो इस क्रम थी कि बच्चे को घर में पहले गला दबाकर उसका मुंह बंद करके उसको मारा गया, फिर उसके बाद में बाहर खेत में ले जाके बच्चे का पैर काट के फिर बाद में उसको जो तांत्रिक विद्या के अनुसार उसको मारा गया। क्योंकि तांत्रिक का कहना था कि इसमें जो पहले इस औरत के, इस महिला के 3 बार बच्चे नहीं हुए थे, तो एक बलि देने के चक्कर में इसकी बच्चे की हत्या की गई। जो आला कदम था वो भी बरामद किया गया है, तो इसमें दो, एक प्रेमवती और एक नसीम अली जो तांत्रिक है, इनको जेल भेज रहा है। अच्छा, बलि का क्या मतलब, उसका कोई पूजा पाठ की गई थी तो ऐसा कोई डेड बॉडी को कोई मिले था कोई? जी हाँ, उनके घर से जब तलाशी ली गई तो वहाँ पे तांत्रिक में जो भी वस्तुएं यूज होती हैं वो सारी वहाँ मौके से बरामद हुई उनके ऑफिस से। अच्छा सर, जैसे कि तांत्रिक अब तक ऐसे कितनी महिलाओं को अपने चंगुल में फंसा रखा है? पूछताछ की जा रही है इसमें, और गहनता से पूछताछ की जा रही है, इसमें अगर और प्रकरण होंगे तो सामने आएंगे।